हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड से लेके। शेयर करता क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। हम जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल चार्ट क्या कहता है, वो नजर आ रहा है क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में लगभग 50-60% तक के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आया है। ठीक है, मोर देन 60% अगर मैं थोड़ा सा और जहां से तेजी की शुरुआत हुई वहां से लेके चलूं तो 80% के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आए। क्या ये राइट टाइम है इस पर्टिकुलर शेयर में कूदने का, या ये एक आपका छलावा है जहां पर से आप लोग ठगे जा सकते हो, उस सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आती हुई नजर आए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोस है, जाइए एक एक करके वीडियोस को देखिए, आपको काफी सारी नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी, चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। और बारीकी से सीखना है, चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में सीख के पैसे कमाए कमाए जाए, ना कि करते करते सीखे, करते करते तो सीख नहीं है, वह सीख के करके फिर यहाँ पर कमाया जाए, उसमें और मजा आता हुआ नजर आएगा। आपकी जो जो गाड़ी दूसरे गियर में चल रही थी वो चौथे गियर में चलने शुरू हो जाएगी। ओके, आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल का एक कोर्स ले सकते हो, जहाँ पर शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, कब भागता है, कब गिरता है, क्यों भागता है, क्यों गिरता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट क्यों, क्या कैसे के जवाब आपको भी दिए जाएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट, सब कुछ दिया जाता है। 8868054501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और आप हमारे इस कोर्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ काम कर सकते हो। आइए जानते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड से लेकर। यहाँ पर देखिए कंपनी करती क्या, जैसे कि पावर लिख रहा है तो पावर से ही रिलेटेड काम है। हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट बोथ इन एन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल। तो इंडिया और उसके बाद इंटरनेशनल भी ये कंपनी जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी, एक पावर जनरेट भी करती नजर आती है। तो कंपनी का काम बात करें तो पावर से रिलेटेड है। आप जाइए, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड पढ़ने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस का एरिया क्या क्या है, वो आपको समझ में आती हुई नजर आएगी। इनका पावर का, कोल का, गैस का, सोलर का, विंड का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी का, वो सारे का सारा यहाँ पर काम इनका चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में आपको पता चलती हुई नजर आएगी। चलो, ये तो हो गया कंपनी से रिलेटेड। अब बात करता थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड। मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, 18,651 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हमारी एक्सपर्टीज का फायदा उठा उठा लीजिए। ठीक है, आप हमारे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, जब हम स्मॉल कैप की बात करूं तो दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब शेयर भाग रहा है ना, कि 60% बन गए, 70% बन गए, 100% बन गए, अच्छी बात है बन गए, ठीक है, बट जब शेयर गिरता है ना तो इस तरीके से गिरता है कि 400 रुपए वाला, 300 रुपए वाला स्टॉक्स यहाँ पर कब यहाँ पर 1 रुपए से 2 रुपए पे ट्रेड करने लग जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगी और आप यहाँ पर अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। ठीक है, 99% की वेल्थ यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर समझिए 2020 में खत्म होती हुई नजर आई थी। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। चलो, ये हो गई दूसरी बात। तो मैंने आपको रिस्क से भी अवगत करा दिया, मैंने आपको वो भी बता दिया कि पैसे बनते हैं तो इन्हीं में ही बनेंगे, बट जब पैसे छीने जाएंगे तो इन्हीं से छीने जाएंगे, इस चीज को भी याद रखिएगा। आरओसी आरओई है, पी दे नहीं रखा है क्योंकि कंपनी क्या करती होगी, नेगेटिव मतलब लॉस दिखाती होगी, इसलिए यहाँ पर पी दे नहीं रखा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुई है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें लास्ट क्वार्टर का, वो भी बढ़ता हुआ नजर आया होगा। कंपनी के पास 162% का अभी तक डेट है, मतलब कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर रही होगी। 10 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि घाटा कर रही है तो डिविडेंड कहाँ से देगी, ये आप ये एक जनरल बात है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते और जानते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा नंबर की तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि नंबर में एज सच कुछ यहाँ पर चमत्कारी नंबर नहीं आ रहे। अभी मैंने एक वीडियो अभी बनाई है, अपलोड हो गई होगी, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वहां पर कुछ हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर 2,000 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है, तो वही इर्द गिर्द 1,800, 1,700, 1,900, 2,000
करोड़ के आसपास की ही सेल्स आ रही है। फिर साथ में यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है 600 करोड़ 700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट कंपनी को हैवी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी थी कि 162% के आसपास का यहाँ पर क्या है डेट है, जब 162% का डेट है तो कंपनी को हैवी क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट 600 700 800 500 करोड़ के आसपास का डेट पे कर रही है। जब यहाँ पर कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास बचेगा क्या, कंपनी को कुछ नहीं बच रहा है ना, इंटरेस्ट टैक्स भी ये दे नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अब देखोगे तो कंपनी यहाँ पर 98 करोड़ का यहाँ पर, जहाँ पर कंपनी 651 करोड़ का यहाँ पर अच्छा लग रहा था, यहाँ पर आ गए 98 करोड़ के घाटे पे ठीक है। तो कंपनी लगातार यहाँ पर क्या कर रही है, घाटा शो कर रही है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिएगा ठीक है ना, आप देखिएगा कि शेयर बेशक से 100% भागा है या 200% भागा है या 500% भाग जाए या 10,000% भाग जाए ठीक है, आप किसी किसी के पैसे बन जाए या किसी के पैसे ना बने, और काफी लोग यहाँ पर फंसेंगे भी, वो भी एट द एंड में डिसाइड होगा, वो वक्त बताएगा ठीक है। बट क्या आपको यहाँ पर फंसने की जरूरत है, इतना एक होता है कि आपको पैसे कमाने हैं, एक होता है कि आपको बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, तो बहुत जल्दी पैसे कमाने वाले ना ऐसी ही चीजों में यहाँ पर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं और काफी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं ठीक है ना। मेरे वर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बट स्टिल जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए याद रखिए, पहले कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, कंपनी 70% भाग गई 60% भाग गई, किस वजह से भाग गई मुझे समझ में नहीं आता। रिलायंस मैंने यहाँ पर डाला तो के कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता, सिंपली बस यही दिखाई दे रहा है कि अनिल अंबानी की ये कंपनी है, ये भाग गई ये भाग गई, कुछ क्या होता हुआ नजर आए, कुछ न्यूज भी तो मिलती हुई नजर आए, तभी तो जाके यहाँ पर समझ में आए कि यहाँ पर ये कुछ होता हुआ नजर आए। कंपनी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है घाटा दिखा रही है, और अगर आप ऐसी घाटे वाली कंपनी में पैसे लगाओगे तो आप अपने आप को हमेशा ठगा महसूस करोगे। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो समझा सकता हूँ जो कि मैं आपको समझा भी रहा हूँ। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी पहले कुछ बेकार लगभग वही 5,000 करोड़ के आसपास काम था, फिर 10,000 करोड़ तक गया, फिर धीरे धीरे करके वही 700, अब देखेंगे तो काफी सालों से एक ही रेंज में काम होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी पहले 1,000 करोड़ तक कमाती थी वो धीरे धीरे करके 2019 से 3,000 4,000 ओके यहाँ पर घाटे में को ही दिखा रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास रिजर्व्स है ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 15,000 करोड़ के रिजर्व्स थे, वो धीरे धीरे कम होके 7,000 करोड़ के आसपास के रह गए ठीक है। बट साथ में यहाँ पर बोरिंग भी कम होती हुई नजर आई है, जो 30,000 करोड़ की बोरिंग थी वो कम होकर 18,000 करोड़ के आसपास की हो गई है। आपको अब काफी लोग आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि देखिए बोरिंग कम हो गई है ठीक है, तो आपको शेयर लेना चाहिए, ये बोरिंग एक दिन जीरो हो जाएगी, जब जीरो होगी तब देखेंगे ठीक है। कोई नहीं, हम यहाँ पर 45 पे नहीं खरीद रहे, हम यहाँ पर 450 पे खरीद लेंगे। कंपनी अगर 400 अच्छी होगी तो वो 450 वाली यहाँ पर 4,500 भी जाती हुई नजर आएगी ठीक है। बट कंपनी जब इस तरीके के यहाँ पर आंकड़े दिखाने लग जाती है ना ठीक है, तो आपको समझना होगा कि फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर इनके पास जो रिजर्व्स थे उसी रिजर्व्स को इन्होंने यहाँ पर पे किया है, और उसी की वजह से यहाँ पर देखिए लगभग लगभग रिजर्व्स 14,000 से 9,000 लगभग 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पर गए, और 5,000 करोड़ से यहाँ पर चुकाया कितना है, यहाँ पर आप देखोगे तो 14 करोड़ से 7 ले मान लीजिए, तो यहाँ पर अच्छा खासा चुकाया गया है ठीक है। साथ में यहाँ पर इनकी जो कुछ एसेट है ठीक है, उन एसेट को भी यहाँ पर बेचा गया है, बट एस सच ठीक है ना कंपनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है। अभी कंपनी अच्छे खासे डेट में है, तो आपको समझना होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर काम करना होगा ठीक है। अभी भी $3 बिलियन इसे समझिए, यहाँ पर लगभग तो मोर देन $2 बिलियन के आसपास का यहाँ पर डेट है, वो चुकाना होगा। जब वो चुका देंगे ना, तब देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी में दम है या नहीं है, फिर कंपनी को उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट भी करना होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा बहुत है, कंपनी ने वर्किंग प्रोग्रेस में भी पैसे लगा रखे हैं ठीक है, कैश भी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बट आपको ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचिएगा समझिएगा उसके बाद यहाँ पर पैसे लगाइएगा। बाकी आपका पैसा है, आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। प्रमोटर्स के पास लगभग 23% की होल्डिंग है, प्रमोटर्स यहाँ पर निकले जा रहे हैं, अगर इतना ही दम होता तो यहाँ पर डेट कम करने के बाद प्रमोटर्स और खरीदते, फिर यहाँ पर इनके 23% कम नहीं होता, लगभग 20% ज्यादा हो जाते हैं ठीक है, आपको यह समझना होगा। FIs यहाँ पर माल उठा रहे हैं ठीक है, FIs कब कब में निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। DIs यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पहले उठाया था फिर यहाँ पर बेच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांति से अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट करिए ठीक है, सोच समझ के यहाँ पर चीजें लीजिए,
ताकि यहाँ पर अच्छा खासा हो जाए। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ कन्वर्टेबल यहाँ पर वॉरेंट्स होते हुए नजर आए थे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रमोटर निकल रहे हैं, एफआईज की खरीदारी हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर तेजी हो रही है। बट जैसे ही एफआईज यहाँ पर निकलेंगे, ये शेयर कब कब में लोअर सर्किट लगा के नीचे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा ही शेयरों में होता है। तो बड़े ध्यान से समझ के, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं, आराम से पैसा बनाने के चक्कर में पड़िए, अच्छे शेयरों में लगाइए ना पैसे, ठीक है ना। अच्छे शेयरों में जब पैसा लगाओगे तो अच्छा पैसा बनता है वो नजर आएगा। चार्ट क्या कह रहा है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए कोर्स है, काम करना है तो यहाँ पर हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अच्छे खासे आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर में जान भी आई है, शेयर में यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। अभी लेने की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिया, बाकी तो आप समझदार हो गई आप। बाकी शेयर कितना ही भाग जाए मैं तो यहाँ पर एंट्री नहीं करने वाला, बट स्टिल आप पर टेक्निकल के बेस पर एंट्री करना भी चाहते हो तो एक स्टॉप लॉस बनता है, कौन का बनता है, लगभग लगभग 45 रुपए। अभी कितने पे चल रहा है, 46 रुपए 56 पैसे, 1.5 रुपए से 2 रुपए का एक रिस्क लीजिए, लगभग लगभग 5% का ये रिस्क बनता है। पहला टारगेट आपका 53 रुपए का, 53 को जैसे ही क्रॉस करेगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक टारगेट आता हुआ दिखाई देगा जो कि यहाँ पर ये 60 रुपए, और उसके बाद ये शेयर लगभग 64 रुपए तक जाएगा, और एक बार इसे क्रॉस किया तो शायद ये शेयर फिर 108 रुपए के आसपास जाएगा। एक आध क्वार्टर के नंबर और देख लीजिए, अगर अच्छे आते हैं, कंपनी यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव यहाँ पर शो कर देती है, तो याद रखिए शेयर और तेज भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर 100 को भी टच कर सकता है। तो मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर लेना नहीं है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए यहाँ पर कोर्स है, यहाँ पर वीडियोज है, और काम करना है तो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके काम भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।